मेरे हाथ में क्या है यार? कुछ भी हरकत करते रहते हो, मुंह से भी हंसते रहते हो। सही बात है, मुंह से हंसते रहते। चुप हो जा, शिल्पा चुप हो जा। वाह, क्या आवाज है सुरीली। भिखारी बनने के लिए भी अभी दिखा दो। ओ, भिखारी बोल रहा था। भिखारी बनने के लिए एजिबल बोल रहे हैं। इधर इधर मार के दिखा, मार मार मार। इधर इधर इधर, लेफ्ट 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 काम हो गया। आप मानोगे नहीं, केदारनाथ के बाद से मैंने ये बाइक अपनी बिल्कुल भी वॉश नहीं करवाई है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। किसी भी ट्रिप के बाद आपको अपनी बाइक वॉश करवानी चाहिए एंड सर्विस करवानी चाहिए। दोनों में से एक का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज इमीडिएटली उसके बाद निधि की एंगेजमेंट वाला सीन आ गया था एंड एवरीथिंग वॉज टू बिजी। अभी मैं ये बाइक के रिगार्डिंग ब्लॉग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बाइक के रिगार्डिंग कुछ गिव अवे है। चलो ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो है सामान, इसमें एक गिव अवे का सामान है जिसकी पिक्चर यहां पर आ रही होगी। राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, इसका साइज है ये। एंड चूंकि मेरी बॉडी बन चुकी है और मेरे ये साइज के हिसाब से थोड़ा टाइट वाइट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग समवेयर किसी के यूज में ला दूं। तो इन केस एनी राइडर वॉचिंग जिसका ये साइज है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है क्रे लाइफ रॉक्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे जाके फॉलो करना है, और जो कमेंट आपने लिखा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डीएम कर देना है इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी यहाँ आ रही होगी। तो किसी एक लकी विनर को हम दे देंगे ये जैकेट जिसके यूज आ जाए। है भाई, वेस्ट करने से अरे ये टूट पड़ो कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने का, समझे? मैं सब देख रहा है। खाना कैसा बना? खाना अच्छा है, जैसा खाना बनाए काश तुम वैसी खुद भी बन जाती। थैंक्स, नहाया नहीं था मैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही नहाना पड़ेगा अब तुम्हें। देख रही हो, खाना खाते समय कोई ऐसे करते है क्या? खाना खाते टाइम कोई सुसु करता है क्या? बताओ। तू बेटा अब नेक्स्ट टाइम खाना खाओ, देख क्या होगा तेरे साथ। तू तो गया बेटे, चल निकल। कभी तारीफ मत कर देना ढंग से। कर रहा हूँ ना तारीफ, तू गोबर है, गोबर। बास आती है तुम में से, तू गोबर है, तुम में से बास आती है। यार रास्ते में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीटाणु है सारे मरते हुए जाते हैं, तुम जहाँ से निकलती हो। और हमारे ऋषि भाई साहब के एडवेंचर भी चालू हो चुके हैं। अब ये क्या करेगा, ऊपर जाके ना यहाँ पर नेता बन के भाषण देगा। एक्चुअली ये देखो, ए देखो, ये देखो, वाह बेटे, चढ़ 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 चढ़ो, ये देखो, अब गोल 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 गोल। ऊपर से गिरा है। कहां से गिरा है? कहां काम चल रहा है? कहीं चल रहा है काम। ये अभी किसी के सिर पे गिर जाता तो? गाइस हम लोग ना जस्ट यहां से निकलने वाले थे, ऊपर तो देख कोई चलता नहीं है, ये नीचे एक दो पत्थर नीचे गिरे हैं। सिर पे गिरेगा तो क्या होगा? गार्ड भैया को बुलाओ। पहले तो आप लोग इधर से निकलो, उधर जाके खड़े हो जाओ। यहाँ पर कहीं मुझे दिख नहीं रहा है सच, कोई काम वाम चल रहा है। उसको पकड़ो और उसको उठा के यहाँ गोद में खड़े रहो। ओ भाई साहब। गाइस ये कितना डेंजरस हो सकता है यार, कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये और ये पत्थर ऊपर कहीं से तो गिरे। ये है सोसाइटी का हाल। और मैं ऑलमोस्ट बताना भूल गया, जब मैं केदारनाथ गया हुआ था ना उस दिन, शिल्पा के ऊपर
शीशा गिरते हुए बचा है, याद है आपको? खिड़की किसी ने खोला तो उसका खिड़की ही गिर गया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, क्वालिटी देख रहे हो, क्वालिटी कहाँ से गिरा है किसी का, जो ये सब बन रहा है कहीं यही सही से कहीं से तो गिरा है, हवा लग के क्या लग के आते जाते किसी के सर पे अगर ये अभी तो मैं हटी हुई हूँ। कोई काम चल रहा है क्या भैया? गिरा बहुत भयंकर है, पता ही नहीं चलता है जो कहाँ से कब क्या गिर जाए यहाँ पे। गाइस, और ये गेट दिस इज सीरियस, किसी के सर पे भी गिर जाएगा कभी भी। दिस इज डैम सीरियस। हरी मोरी मैया, मेरे को दग दग हो रहा है, बहुत खतरनाक वाला भाई, बहुत डेंजरस एरिया है ये। वी नीड टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल, जहाँ से लोग आते जाते हैं बाहर। ये गिरा ही अदर, हम तो वहाँ डर के मारे जा ही नहीं रहे अब। पत्थर गिरा वहाँ पे। गाइज, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग अंदर जाएंगे एकदम से भागते हुए, बिकॉज ऊपर से सिंस पत्थरों की बरसात हो रही है। आओ सारे लाइन से एकदम से भागते हुए निकलना है, चलो। मैं कैसे भागूंगी? अरे मम्मी भाग लोगे, गो ऑन, यू कैन डू इट, चलो। 3, 2, 1 देखो वैसे तो ये सीरियस बात है, बात But we are taking this in a fun way. Rishi bhai ke adventures, son of Kri Life Rohit. क्या होगा इस देश का? क्या होगा प्राइवेट सोसाइटीज का? कभी कहीं और कई जगह लिफ्ट गिर जाते, कहीं ईंटे पत्थर गिर रहे हैं, तो बताओ। इसके ऊपर तो शीशा पूरा गिरने वाला था, आप पहले वाली क्लिप देखो। अभी यहाँ ऊपर से गिरा 1700 टावर से, ये किसी के यहाँ काम नहीं चल रहा, किसी के का शीशा निकल के गिर गया, पूरी की पूरी खिड़की। सोचो यहाँ कोई बंदा होता और उसके लगती तो, मैं तो वहां पे थी, बच गई। है मम्मी, आपके ऊपर कुछ गिरा है अभी तक? ये गिरते गिरते बचा, गिरेगा तभी मैं वीडियो में आऊंगी क्या? तेरे ऊपर कुछ गिरा है रोहन? तेरे ऊपर क्या गिरेगा, तू खुद गिरा हुआ है। सीरियस पार्ट इज, व्हाट इज दिस मैन? मैंने तो ये भी बल्कि सुना है कि ये जो सोसाइटी जो बनी है ना हमारी, सीमेंट लगा हुआ है। इट्स नॉट अ सीमेंट, इट केम फ्रॉम यमुना का मिट्टी, वो आके सस्ते में ऐसे चिपका दिया गया। ओह माय गॉड, कुछ खिला दे यार, नहीं तू मत खिला तो मेरे मुंह पे पानी मार के मैं खुद ही चाय बना लूंगा। आगे स्वाद थी तू पिछले जन्म में कुछ। अच्छा सुनो 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 सारे घर वाले सुनो, मैंने आज शिल्पा के लिए एक गाना प्रिपेयर करा है, बहुत ही सुंदर सुशील, सबको सुनना पड़ेगा। अच्छा। गाना सुना ना, आंखों की गुस्ताखियां, बस इसको मैंने मॉडिफाई करा है। मॉडिफाई खाने में तुमको मैं जहर मिला कर खिला दूं, चौथी मंजिल पर ले जाकर इसको मैं गिरा दूं, लठ लेके मैं शिल्पा को सुजा दूं, बीवी की गुस्ताखिया माफ हो। राइटर कैसा है वो देखो, वो राइटर के हिसाब से ऐसे ही गाना लिखा जाए। ओके गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, फॉर व्हाटएवर रीजन इफ यू डिड, लेट मी कंप्लीट। ओके, तुम कुछ कह रहे थे तो हां इसको कंप्लीट कर देते हो। हां, ओहो मतलब शिल्पा ने भी कुछ लिखा है, सुनो सुनो। हां दोनों राइटर, गाना यही है।
कपड़ों में खुजली वाला पाउडर लगा के पहना दूं, चाय में जहर मिला के तुझे मैं पिला दूं, पतियों की सी पंतियां ना माफ हो। सी पंती क्या होता है? एक्सप्लेन करो वहां से, एक्सप्लेन करो सी पंती क्या होता है। बस की है तो मम्मी के सामने बोलो ना, पूरा बोलो ना सी पंती। हेलो गाइस, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। फॉर मोर सेलिब्रेशन यहां पे देख लेते, प्लीज लाइक करके जोड़ देना। बेटे से डरते रहो, सतरो कुछ मत करो, मैं के चलते चलते ओम बोल। इसको निकाला घर से, दफाओ चल। ये क्या है, किसकी बुक फाड़ी है? खा जा उसको भी, पूरी बुक फाड़ दे। थिंक एंड ग्रो रिच।